और कीपर विलेज तो फेमस है आपको स्नो लेपर्ड की फोटोग्राफी के लिए। अरे मार दोगे क्या भाई? और यहाँ से रास्ता आता है सीधे नीचे वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस के लिए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम किब्बर। तो रात को हम किब्बर आ चुके थे, हमें आने में रात हो गई थी, तो आपको ठीक से अपना कमरा दिखा नहीं पाए थे हम लोग। तो ये देखिए, ये है का कमरा, मैं वहाँ सोया था कोने पे, अश्विनी यहाँ सोया था, गोलू भाई यहाँ सोए थे, और यहाँ देखिए बहुत सारे गद्दे वद्दे सब रखे आपके यूज़ के लिए। काफ़ी बड़ा कमरा था यहाँ पर जो हमने स्टे किया था। और पीछे अगर आपको यह सब दिख गया होगा तो भाई, इससे मेरा कोई लेना है नहीं, ये मेरा नहीं है, ये जो होटल ओनर है इनका है। हमने सारी बोतल खाली पड़ी है, इनसे हमारा कोई लेना देना है नहीं। हमने चार्जिंग पॉइंट यहाँ लगा, सब चार्ज वार्ज कर लिया, सामान सारा बिखरा पड़ा है। और अब हम चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर अपनी आई की जर्नी आज शुरू करेंगे। और ये जो कमरा है, यहाँ पर दीपक भाई और उनकी फैमिली रुकी थी यहाँ पर, सामान ऑलमोस्ट इनका ही पैक हो चुका है। अब सारे चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, उसके बाद अपनी आई की जर्नी आज शुरू करते हैं। और गाइस, ये है इस होम स्टे का डाइनिंग एरिया जहां हम सब बैठ के खाना वाना खाते हैं। ये डाइनिंग टेबल है आपको, और यहां पर है ट्रेडिशनल डाइनिंग एरिया जहां पर आप बैठ के अपना भोजन पानी जो भी है कर सकते हैं। तो चलिए, हमारा ब्रेकफास्ट अभी आ रहा है, ब्रेकफास्ट करते हैं। और इस डाइनिंग एरिया से भी बहुत ही अमेजिंग सा व्यू है। हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है हमारे सामने। ये है तिब्बतियन भुटरू, जिसको स्पीतियन ब्रेड भी कहते हैं। तो इसको मैं खाने वाला हूँ जैम से, और ये पीनट बटर है, इसके ऊपर बटर लगा रखा है, और इसके अंदर में है अंडे का ऑमलेट। सो गाइस, ब्रेकफास्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, बहुत ही अमेजिंग ब्रेकफास्ट किया हम लोगों ने यहाँ का। दीदी, वो क्या था? तिब्बतियन ब्रेड ना, स्पीतियन ब्रेड था, तिब्बतियन भटूरे भी बोल सकते हैं उसको। तो बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी ब्रेकफास्ट किया हम लोगों ने, और ब्रेकफास्ट बना रही है जो दीदी, आप उनसे देखिए, ये दीदी बना रही है ब्रेकफास्ट हमारे लिए। तो बहुत ही टेस्टी टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाती हैं, अमेजिंग खाने बनाती हैं। आप यहाँ आइए, इनके पास रहिए। दीदी, ऑडियंस को हाय बोल दीजिए। हेलो जूले, जूले नमस्ते। तो आप यहाँ आइए, इनके हाथ का बना हुआ खाना खाइए और मज़े कीजिए। और ये जो होम स्टे है, ये है इनका, ये इनका नाम है इंदु, इन्हीं का होम स्टे है। तो आप यहाँ आइए, मैं इनका नंबर डिटेल्स डाल दूँगा यहाँ पर, आप इनको फ़ोन करके आइए, बुकिंग करिए और इस प्यारे से होमस्टे में एंजॉय करिए। भाभी और अक्षत काफी एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर, अभी भी ब्रेकफास्ट पी रहे हैं, सबका हो चुका है, बस सबका ब्रेकफास्ट हो चुका, सब जा चुके हैं भाभी कॉफी पी के। हम लोग अब निकलते हैं आगे, और बाहर निकल के आपको दिखाऊंगा होमस्टे का बाहर का लुक। और इसका नाम क्या है दीदी, होमस्टे का नाम क्या है? देशिक होमस्टे। तो बाहर इनका साइन बोर्ड भी है, मैं आपको दिखा दूंगा। हेलो हेलो, इस प्यारे से गुड़िया को देखिए, ये उन दीदी की बेटी है जो वहाँ बैठ के खाना बना रही है। इधर देखो, इधर देखो, देखिए कितनी क्यूट है ना। हेलो 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 कर दो, हेलो कर दो। मेरे मॉम है। हेलो ये दीदी की मॉम है, मेरे मम्मी है जुले, और ये बटूरे है, ये बटूरे अंकल लामा को बेच रही हूँ। अच्छा हेलो जुले। तो दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ अपने होमस्टे के टेरेस पे, और टेरेस पे जो व्यू आपको पीछे दिख रहा है बहुत ही अमेजिंग है। एक मिनट आपको दिखाता हूँ फिर मैं। ये देखिए, ये यहाँ का गांव है, ये पूरा यहाँ का किब्बर विलेज है। ये बस इतने ही घर यहाँ पर आपको जो दिख रही हैं, इतने ही घर यहाँ पर है। और यहाँ पर क्या है कि जितने भी घर बने हुए हैं यहाँ पर ना, सब मिट्टी के बने हुए हैं, और सबके दीवार जो है 12-12, 13-13 इंच मोटी दीवार है, ताकि ठंड के समय यहाँ ठंड अंदर घर तक ना जाए, क्योंकि ठंडी में यहाँ पर लोकल्स बता रहे हैं कि -30-40 डिग्री तक यहाँ ठंड हो जाती है। और किब्बर विलेज तो फेमस है आपको स्नो लेपर्ड की फोटोग्राफी के लिए। जब यहाँ ठंड ज़्यादा हो जाती है, तब स्नो लेपर्ड्स ऊपर पहाड़ से नीचे विलेज तक आते हैं ठंड से बचने के लिए। तब यहाँ पर नेशनल ज्योग्राफी या डिस्कवरी वाले जो भी जितने फेमस फोटोग्राफर्स हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स, वो यहाँ आते हैं स्नो लेपर्ड की फोटोग्राफी करने के लिए। और मेरे सामने ही एक देखिए बर्फ़ का पहाड़ दिख रहा है वहाँ पर, गोप्रो के एंगल बहुत छोटा दिख रहा होगा, लेकिन मुझे बहुत सामने दिख रहा है यहाँ पर, वो बर्फ़ का पहाड़ है। और यहाँ पर एक छोटा सा स्कूल भी है, गवर्नमेंट स्कूल है, तो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। और सामने ही वहाँ एक टावर लग रहा है जियो का। फिलहाल यहाँ पर तो अभी कोई भी नेटवर्क काम नहीं करता, हमारे पास जियो भी है, एयरटेल भी है, कुछ भी काम नहीं कर रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद आई थिंक यहाँ पर जियो का नेटवर्क स्टार्ट हो जाएगा।
तो ये है होम स्टे, यहाँ पर इनका नंबर भी दिया हुआ है और होम स्टे का नाम दिशक होम स्टे, देख सकते हैं रूफ टॉप कैफ़े। तो स्क्रीन को पॉज करके आप सब डिटेल्स नोट कर सकते हैं, इनको फ़ोन कर सकते हैं आने से पहले और अपनी बुकिंग करा सकते हैं। तो मैंने अपनी बाइक यहाँ पार्क कर दी थी बिल्कुल होम स्टे के सीढ़ी के नीचे और ये टाइगर यहाँ लगी हुई है दीपक भाई की, और सामने ये डोमिनर हमारी वाइट टाइगर यहाँ पर है। और ये होम स्टे बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, दिशक होम स्टे, आप देख लीजिए। सो गाइस ऑल सेट, हमने अपना सारा सामान नीचे भेज दिया है गाड़ी में, मेरा बैग वैग सारा चला गया, बाइक में लोड हो गया है, अश्विनी का भी सारा सामान चल गया है, एक बार देख लो कुछ छोटा तो नहीं, नहीं कुछ भी नहीं है। तो चलो चलते हैं अब नीचे बाइक पे। भाई बहुत सांस फूलता है यहाँ पर, काफ़ी हाइट पे है ना, इसमें भी सारा सामान जा चुका है तो मैं हाँफ रहा हूँ बिकॉज हम लोग अभी काफ़ी हाइट पे हैं और सांस फूल रहा है, ठीक से बोला नहीं जा रहा। ये यहाँ का रूफ टॉप था जहाँ हमने काफ़ी इन्जॉय किया सुबह, वीडियो वगैरह बनाए। सो गाइस ऑल सेट, सर जा चुके हैं, मैं बाइक में अपना सामान लोड कर रहा था। तो ये था होम स्टे दिशक होम स्टे, आपको पहले दिखाया था मैंने आपको, नंबर वगैरह सब उसी में है, आप फ़ोन करके आइए, बुकिंग करके आइए और अपना स्टे कीपर का यहाँ एंजॉय कीजिए। फिलहाल मैं चलता हूँ आगे। सो गाइस ये काफ़ी ब्यूटीफुल सा स्पॉट है कीपर में फ़ोटोशूट के लिए, सामने बर्फ़ के पहाड़ हैं और इधर है पूरा कीपर विलेज। तो हमने काफ़ी फ़ोटोशूट्स किए हैं यहाँ पर और ड्रोन शॉट भी लिए हैं, तो आप ड्रोन शॉट्स का मज़ा लीजिए, तब तक हम तब तक थोड़ा आगे डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। सो गाइस अभी हम पहले जाएंगे काजा, वहाँ सबको लेनी है पेट्रोल, मैंने कल ले लिया था और बाकी उन्होंने कल नहीं लिया था, तो बाकी सारे पेट्रोल और डीजल लेंगे। और ये जो है काजा तक जाने का दूसरा रूट है, कल जिस रूट से हम किब्बर आए थे काजा से, ये वो रूट नहीं है, ये दूसरा रूट है। तो काजा से किब्बर आने के दो रास्ते हैं, एक रास्ता आपने देखा प्रीवियस वीडियो में और एक रास्ता ये जो आप अभी देख रहे हो। ये जो किब्बर विलेज था ना, ये पहले था वर्ल्ड का हाईएस्ट विलेज, लेकिन अब हो गया है कॉमिक विलेज, इससे भी ऊपर है। तो किब्बर हो गया है सेकेंड और कॉमिक हो गया है वर्ल्ड का हाईएस्ट विलेज। और आज हम एक और जगह जाएंगे, इंटरेस्टिंग सा जगह है, वो वर्ल्ड का हाईएस्ट एंड लास्ट पोस्ट ऑफिस है हमारा इंडियन पोस्ट ऑफिस, तो वहाँ भी जाएंगे।
देखो क्या अमेजिंग नज़ारा है ना, यहाँ खेती हो रही है, जगह जगह थोड़े थोड़े झोपड़ियाँ बनी हुई है छोटी छोटी, और सामने ये बर्फ़ का पहाड़, वो नदी देखो सामने स्पिति रिवर, और ये देखो खेत, क्या मस्त लग रहा है ना, कलरफुल नीचे, अमेजिंग मैन। मुझे अचानक से व्यू दिखा तो मैं रुक गया आप लोगों को दिखाने के लिए, और वो रहा ऊपर की मॉनेस्ट्री सामने, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में यहाँ से, पीले 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 देखो पेड़ है सामने वहाँ पर, क्या खूबसूरत लग रहा है ना। चलो आपको दिखाता हूँ नज़दीक से, गोपुर में हो सकता है छोटा दिख रहा हो, अब देखो यहाँ से ऊपर की मॉनेस्ट्री, और उसके नीचे देखो क्या सुंदर सुंदर पीले पीले पेड़ है, देखो ये बहुत साल पुराना है, हज़ारों हज़ारों साल पुराना बना हुआ मॉनेस्ट्री है ये, ब्यूटीफुल मैन, बहुत खूबसूरत। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं काजा, और सबको अपनी बाइक में लेना है पेट्रोल, तो 160 का फ्यूल मेरे अभी फ्यूल टैंक में टॉप अप हुआ। सो गाइस अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से लांगजा, अभी हम हैं काजा में, तो यहाँ से भी जाएंगे लांगजा जो है से वही लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर है, फिर वहाँ से हम जाएंगे कॉमिक, फिर जाएंगे हिक्केम, हमें यहाँ से राइट लेना है, सीधे हम चले गए थे किब्बर और यहाँ से राइट लेंगे हम लांगजा के लिए। अबे क्या कर रहा है, इसका दूसरा फॉल है ये, रुको रुको आओ आओ, क्या एक मिनट रुको रुको रुको, उठा लिया उठा लिया उठा लिया, इसका दूसरा फॉल है, अरे वहाँ गलत सर्कल पकड़ लिया उसने, और ये रास्ता भी काफी हाइट पर है, स्टीफ चढ़ाई है, तो 150 cc गाड़ी होने के बावजूद यामाहा FZ जो है मेरी सबसे पुरानी वाली मॉडल FZ है, काफ़ी अच्छे परफॉर्म कर रही है, ये सब देख सकते हैं कितनी स्टीफ चढ़ाई यहाँ से, पूरा हेयर पिन बैंड है, पूरा चढ़ाई है और टर्न भी यहाँ से है, तो बिना किसी परेशानी के मेरी बाइक आराम से परफॉर्म कर रही है यहाँ पर। सामने का यार अमेजिंग सा व्यू है, रुको ट्रक आ रहा है यार, थोड़ा साइड जाना पड़ेगा नहीं तो ट्रक वाला उड़ा देगा मुझे, ओहो हो पूरा पाउडर उड़ाते हुए गया पाउडर। तो लांगजा विलेज स्ट्रेट है और कॉमिक यहाँ से, यह से जाएगा कॉमिक को, ये जाएगा लांगजा को, और मेरे पीछे काजा, दिस इज द कंप्लीट ऑफ रोड गाइज। ओ मैन क्या रोड है यार, पहाड़ के बीच से फाड़ का रास्ता बनाया गया, ये मस्त रोड है यार, मस्त रोड है, फुल टू एडवेंचर, नेक्स्ट लेवल एडवेंचर मैन। सामने देखो वो स्नो पीक माउंटेन्स, क्या खूबसूरत लग रहे हैं ना, ओ भाई साहब ये कौन सी जगह है, हमने बिल्कुल टॉप पे आ चुके लगता है हम, मतलब इस पहाड़ के टॉप पे हैं, हमें उसके उस पहाड़ के उस पर जाना है ना भाई, क्या जगह है वहाँ कसम सच में, लेकिन जियो मैन जियो, तू कहाँ तक आ गया मैं। कहाँ तक आ गया भाई तू।